Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, comparison, part 1 and part 2. I have already taught you about the part 1 and part 2. Today I am going to teach you about the comparison. The sentences about the comparison. Comparison means what? I have already taught you about the degree in the basic. Okay? तो कंपैरिजन मींस डिग्री, डिग्री से संबंधित होता है जिसमें तुलनात्मक सेंटेंसेज आते हैं जिसमें किसी से किसी की तुलना की जाती है, उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं. कंपैरिजन का मतलब ये होता है तुलना करना. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो मैंने पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. And today I am going to teach about these types of sentences. इसमें कई टॉपिक है. ये दो सेंटेंस एक तरह का है और ये सेंटेंस एक तरह के हैं. ये दो एक और एक दो. 1, 2, 3, 4. फोर टाइप्स के सेंटेंसेज हैं इसमें यहाँ पर. और मैं एक एक करके सेंटेंस बाय सेंटेंस में आपको बताता जाता हूँ कि इस टाइप के अगर सेंटेंस आएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे, अगर इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस है, दौड़ने की अपेक्षा टहलना आसान है. दौड़ने की अपेक्षा टहलना आसान है, मतलब दौड़ने से ज़्यादा टहलना आसान होता है. तो इसको हम बनाएंगे कैसे? इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आएंगे उसको हम पहले टू से शुरू कर सकते हैं. दो तरीके से हम बना सकते हैं. पहला होगा कि दौड़ने की अपेक्षा टहलना आसान है, इट इज easier टू वॉक देन रन. या दूसरा तरीका, वॉकिंग इज easier देन रन. ओके फ्रेंड्स, सॉरी, अभी दूसरा सेंटेंस है, करने से कहना आसान है. मीन्स करने से ज्यादा कहना आसान होता है. मीन्स करने की अपेक्षा कहना ज्यादा आसान होता है. तो इसको हम, इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे क्योंकि ये इसी तरह का सेंटेंस है. तो यहां पर होगा, इट इज easier टू से देन डू. या दूसरा तरीका, saying इज easier देन डूइंग. ओके फ्रेंड्स, यह अलग टाइप का सेंटेंस है कि यह बक्सा उस बक्से से तीन गुना भारी है. तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, छह गुना, इस तरह का आता है तो 3 times, 4 times, 5 times इस तरह से हम बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? यह बक्सा उस बक्से से तीन गुना भारी है. तो दिस बॉक्स इज 3 times as heavy as that box. दिस बॉक्स इज 3 times as heavy as that box. आप एक बार स्क्रीन पे जो इंग्लिश में आ रहा है उसको अच्छी तरह से आप देखो. इस टाइप के जो भी सेंटेंस आएंगे उसको हम इस तरह से बनाएंगे. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, यह पुस्तक उस पुस्तक से कई गुना अच्छी है. तो दिस बुक इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज दैट बुक. दिस बुक इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज दैट बुक. वह तुमसे 100 गुना भारी है. इसमें भी वही सेम 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 फॉर्मूला लागू होगा कि यह क्या है, वह तुमसे 100 गुना भारी है. तो ही इज 100 times as heavy as you. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो तीनों सेंटेंसेस मैंने आपको बताया है, इसमें जैसे मतलब जिस तरह का इंग्लिश में आपने देखा है स्क्रीन पे, जिस तरह का बनाया हुआ है, इस तरह से संबंधित जो भी सेंटेंस आएगा वो वैसे ही बनेगा. जैसे मैंने बताया, वो तुमसे 100 गुना भारी है. तो ही इज सेवरल टाइम्स, यहाँ पर जितना भी गुना लिखा रहेगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, मतलब 5 times, 6 times, 3 times, उसके बाद एज लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, जो भी है, गुड है, हैवी है, बैड है, स्मॉल है, टॉल है, जो भी है. तो उसका हम एज के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर एज, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. जैसे यहाँ पर है, ही इज 100 times as heavy as you. यहाँ पर तुम से है तो यू होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा. राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है. राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है. तो राम इज ब्रेवर एंड वाइजर देन
श्याम. राम इज ब्रेवर एंड वाइजर देन श्याम. जैसे हम बोलते हैं ना कि राम श्याम से बुद्धिमान है या राम श्याम से बहादुर है, तो राम श्याम से बहादुर है, इस टाइप के सेंटेंस आप अच्छी तरह से जानते होंगे डिग्री में, दिस इज कंपेरेटिव डिग्री. तो राम इज ब्रेवर देन श्याम, इसमें सिर्फ दो एडजेक्टिव है और कुछ नहीं है, दो एडजेक्टिव है कि बहादुर और बुद्धिमान, तो दोनों को एक साथ लिख देना है. जैसे राम इज ब्रेवर एंड वाइजर देन श्याम, ठीक है फ्रेंड्स. उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, राधा सीता से अधिक धनी और सुंदर है. तो राधा इज रिचर एंड, यहाँ पे सुंदर है तो ब्यूटीफुल में हम ईआर नहीं लगाते हैं, इसलिए वहाँ पर हम मोर लगाएंगे. तो राधा इज रिचर एंड मोर ब्यूटीफुल देन सीता. अब ये सेंटेंस है कि वह बहादुर अधिक और बुद्धिमान कम है, तो ही इज मोर ब्रेव देन वाइज, ठीक है फ्रेंड्स. अभी लास्ट सेंटेंस है कि यह कमरा लंबा अधिक और चौड़ा कम है, तो दिस रूम इज मोर लार्ज देन वाइट, दिस रूम इज मोर लार्ज देन वाइट, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये इसमें चार तरह के हमने सेंटेंसेस लिखे हैं और चारों तरह के सेंटेंस को मैंने कैसे बनाते हैं मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है, और इस तरह के इससे मिलते जुलते जो भी सेंटेंस आएंगे हम उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स. आपने दो सेंटेंस पढ़ लिया, ठीक है. अभी दोनों सेंटेंस, सिर्फ आप दोनों ही सेंटेंस बना पाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, इस दोनों सेंटेंस से मिलता जुलता कोई और भी सेंटेंस आएगा तो हम उसको भी ऐसे ही बनाएंगे. बस ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दो दो सेंटेंस मैंने लिखा है, और इससे संबंधित जो भी सेंटेंस आएंगे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये था आज का क्लास. फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है और अच्छा लगा क्लास का आज का, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया होगा तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.